हिंदू फेस्टिवल चल रहे हैं, परंतु रोहतक की जनता खून के आंसू रो रही है। जिस दिवाली को पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है कि हमारा फेस्टिवल आएगा। चौंकिए मत, ये असली मनीष ग्रोवर नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है जो पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। दरअसल शहर के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से हर जगह कचरा फैला पड़ा है, गंदगी का अंबार लगा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अब लगातार पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का विरोध कर रही है। इसी के चलते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप नेता लवलीन टुटेजा के नेतृत्व में हाथ में झाड़ू लेकर शहर में प्रदर्शन किया और पूर्व मंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लवलीन टुटेजा ने मनीष ग्रोवर को कचरा मंत्री करार दिया और कहा कि उन्होंने शहर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। हिंदू फेस्टिवल चल रहे हैं, परंतु रोहतक की जनता खून के आंसू रो रही है। जिस दिवाली को पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है कि हमारा फेस्टिवल आएगा, घर में सफाइयां की जाती हैं, आज पूरा फेस्टिवल गुजर गया, परंतु रोहतक के हर गली कोने में सफाई है। हरियाणा सरकार दावा करती है कि रोहतक पूरे देश में नंबर वन है सफाई में, परंतु आज जो रोहतक के हालात हो रहे हैं, तीन तीन महीने से सफाई कर्मियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, परंतु जनता से लगातार टैक्स वसूला जा रहा है। आज रोहतक की जनता सोचने पर मजबूर है कि कैसी सरकार इस हरियाणा की सत्ता में बैठी है। आज ये कचरा मंत्री जो हमेशा दावा करते हैं कि रोहतक मैं संभालता हूँ, रोहतक मेरे जिम्मे है, हम उनको पकड़ के लाए थे कि देखो रोहतक के बाजारों के हालात, देखो गली मोहल्लों के हालात, ये बीमारियां फैलेंगी, कम से कम देख लो। ये कहते हैं सारा का सारा माल मैं खा गया, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे कोई परवाह नहीं। तो कैसे किया प्रदर्शन, कहां से शुरू किया? क्या ये गोहाना अड्डा से हमने पकड़ा था कचरा मंत्री जी को, और आते हुए यहाँ किला रोड के बाजार से निकलते आए और दिखाया इन कचरा मंत्री को कि ये देखो रोहतक के हालात क्या हो गए हैं, आपके पास लड़ियाँ लगवाने के लिए पैसे हैं, परंतु सफाई कर्मियों को, बिचारों को, जिनके लिए दिवाली आई, उनको दिवाली पे तोहफे देने की बजाय आपने उनको घर चलाने के लिए पैसे तक नहीं दिए। तो आप क्या अनुरोध करते हो सफाई कर्मी? हम तो रोहतक की जनता के सामने खड़े हैं, उनकी अदालत में खड़े हैं, लाए हैं इस कचरा मंत्री को पकड़ के रोहतक की जनता की अदालत में। देखो जिनको आपने बनाया था वो कुर्सी तो छोड़ना नहीं चाह रहे, जबरदस्ती चिपके हुए हैं और जनता की हालात बुरा करना चाहते हैं। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने रोहतक के गोहाना अड्डे से लेकर भिवानी स्टैंड तक हाथ में झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सफाई कर्मचारियों को उनका हक देने की मांग की है। बता दें कि रोहतक में सफाई कर्मचारी 19 अक्टूबर से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। बहरहाल देखना यह होगा कि जब मनीष ग्रोवर आम आदमी पार्टी के इस तरह के प्रदर्शन को देखेंगे तो क्या प्रतिक्रिया देंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।